सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इंडिया मार्ट से लीड्स ले रहे हैं, इंडिया मार्ट का पेड सब्सक्रिप्शन आपने ले के रखा है और अगर आपको वहाँ से लीड्स आती हैं, तो उन लीड्स को आप कैसे अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उन लीड्स पर ज़्यादा ज़्यादा एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपको फॉलोअप से बचना है। बार बार अगर आप फॉलोअप लेते हैं तो लीड्स के साथ एक प्रॉब्लम होने लगती है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो विदाउट टेकिंग टू मच फॉलोअप हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम डिज़ाइंड है। मैं आपको एक फ़्लो माइंड मैप के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इंडिया मार्ट की मैक्सिमम लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक उनको एंगेज कर सकते हैं। अगर हमारी एंगेजमेंट अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली कन्वर्जन भी आएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ, मेरे फेस वाली वीडियो को छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ये पेड सब्सक्रिप्शन। अगर आपने इंडिया मार्ट से पेड, मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपने इंडिया मार्ट से पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो नॉर्मली होता क्या है, आपके पास लीड्स आती है। जब वो लीड्स आपके पास कोई भी इंक्वायरी करता है और आपने पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो वो लीड्स आपके पास ट्रिगर होती हैं। वो इंडिया मार्ट के डैशबोर्ड में भी आती हैं और ईमेल पर भी आती है। अब अगर आपने टाइमली इन लीड्स पर काम कर लिया या डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया, ईमेल में लॉगिन कर लिया, तो आपके पास वो लीड तुरंत मिल जाएगी और आप उस पर बात कर सकते हैं। बट कोई गारंटी नहीं कि आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इनटू रियल बिजनेस या रियल मनी। ठीक है, अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर हम पेड सब्सक्रिप्शन लेके लीड्स जनरेट कर रहे हैं, तो उन लीड्स पे हमें अटेंशन ज़्यादा देना होगा क्योंकि वो हमारे पैसे से आ रही है। हमारा कोई फ्री लीड तो आनी नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और उससे हमें लीड आ रही है। और अगर हम उन लीड्स को भी स्लो प्रोसेस या लेट फॉलोअप करेंगे तो हो सकता है कि वो लीड कन्वर्ट ना हो। तो जो चीज़ मैं आपसे अभी बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप ज़रा समझिए और उससे आपको कुछ आइडिया आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक सब्सक्रिप्शन ले कर रखा है एंड हमारे पास एक लीड आया। लीड आके वो एक सिस्टम में आएगा। अगर हमने ऑटोमेशन को कनेक्ट, आपके स्पीड सब्सक्रिप्शन को हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके रखा है, तो ये ऑटो लीड इनटू सीआरएम। अब सीआरएम में आने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही आपके पास सीआरएम में ये लीड आएगी, आपके पास स्टेटस पता चल जाएगा उस लीड का। ठीक है, दूसरा स्टेटस का अगर मैं बात करूँ, तो स्टेटस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लीड एक्टिव है। ठीक है, आप स्टेटस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, इनएक्टिव है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप स्टेटस डाल के चेक कर सकते हो। दूसरा, लीड के आपको स्टेटस पता चलते जाएंगे कि लीड जो है वो अभी कोल्ड है, किसी ने बात की और 1% भी अगर उसके अंदर हमें होप है तो वो वार्म हो जाएगी। और अगर वो कन्वर्ट हुई है, उसे पेमेंट आया या क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को प्रपोजल भेज दो, तो वो हॉट लीड में आपके जाएगी। तो आप यहाँ पर जो भी लीड लेंगे सीआरएम से, जो भी आपके पास इंडिया मार्ट से लीड आएगी, वो ऑटोमेटिकली सीआरएम में इंसर्ट हो जाएगी। सीआरएम में इंसर्ट होने के बाद आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, देन आप लीड स्टेटस चेक कर सकते हैं, देन फॉलोअप आप ट्रिगर कर सकते हैं। अभी फॉलोअप का मतलब ये है कि आपका डेट एंड टाइम का नोटिफिकेशन, जब भी आपका फॉलोअप है, जब भी आपका फॉलोअप ड्यू है, उसका नोटिफिकेशन आपको और आपके जो भी सेल्स पर्सन है या आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका एक फॉलोअप ड्यू है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो अलर्ट है, ठीक है, वो भी आप ट्रिगर कर सकते हैं कि ये जो 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 फॉलोअप है उसका भी एक अलर्ट आप ट्रिगर कर सकते हैं कि मेरा और आपका एक फॉलोअप ट्रिगर हो गया है और उसका अलर्ट से क्लाइंट के पास और आपके पास आ गया कि हमारी एक मीटिंग ड्यू है 10 तारीख को। ठीक है, उसके बार बार आप नोटिफिकेशन डेट और टाइम के साथ ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉलोअप आपको क्लियर हुआ होगा। देन रिमाइंडर्स। अब रिमाइंडर्स का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं फॉलोअप भूल सकता हूँ या फॉलोअप मिस कर सकता हूँ, तो आप फॉलोअप का भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका अपॉइंटमेंट, आपका फॉलोअप 10:00, मैं यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ कि आपको जो फॉलोअप है, फॉलोअप की जो टाइमिंग है वो 11:30 पर है। ओके, अभी 11:30 पे ये मेरे को फॉलोअप लेना है और ये मेरी डेट मान लीजिए मैंने डाल दी 25 जून। ठीक है, अभी 25 जून का फॉलोअप है, 11:30 का है, बट देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं ये फॉलोअप मिस कर दूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, मेरे कुछ दूसरे कॉल आ गए,
और आज की जो तारीख है उसके हिसाब से मेरे पास कुछ दिन भी हैं, तो मैं हो सकता है ये फॉलोअप मिस कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर इसका सेट कर दूँगा। और रिमाइंडर कैसे करूँगा कि जो रिमाइंडर ट्रिगर होगा वो 25 जून को ट्रिगर होगा, ठीक है, 25 जून को ट्रिगर होगा। और कब ट्रिगर होगा, इसकी जो टाइमिंग है वो रहेगी 11 बजे फॉर एग्जांपल, है ना। तो मैं इसको 11 बजे इस रिमाइंडर को ट्रिगर करूँगा। ये जो ट्रिगर होगा ये मेरे मोबाइल पे आएगा इसका नोटिफिकेशन कि यू हैव अ मीटिंग अपॉइंटमेंट और यू हैव अ फॉलो अप एट 25 जून, टाइमिंग 11:30। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फॉलोअप्स हैं वो मिस नहीं होंगे, और उन फॉलोअप्स से आप जब मिस नहीं होंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो आपको एक CRM मिल जाएगा, इस CRM से जो भी आपके पास इंडिया मार्ट से लीड आ रही है वो ऑटोमेटिकली CRM में आएंगी। CRM में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी क्या क्या हम कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है कि आप सारी लीड्स मैनेज नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि इंडिया मार्ट की लीड मैं असाइन करूँ किसी सेल्स पर्सन के पास, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी बिजनेस में जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेल्स वाले हैं, तो आप लीड सिस्टम के थ्रू भी ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली हर लीड उनके मोबाइल पर जाने लगेगी, जैसे ही लीड आएगा उसके एक मिनट बाद या 10 सेकंड बाद जो भी आप टाइम सेट करेंगे, इमीडिएटली दैट लीड विल गो टू दैट मोबाइल नंबर जो भी आपके सेल्स पर्सन का है। या आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एक एक्सपर्ट को ही लीड असाइन करनी है, मल्टीपल सेल्स पर्सन है बट इंडिया मार्ट की लीड मेरे को सिर्फ एक एक्सपर्ट को असाइन करनी है, तो आप वो भी असाइन कर सकते हो इसके साथ। तो आपको एक रूल क्रिएट करना होगा, आपने सेल्स टीम क्रिएट किया, उसका नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उनका यूज़र अकाउंट क्रिएट करा। अब आपने एक रूल क्रिएट करना है कि जैसे ही मेरे पास इंडिया मार्ट से कोई लीड आती है वो ऑटोमेटिकली असाइन होना चाहिए एक्स सेल्स वाले के पास, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो तुरंत उससे बात कर सकता है। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स पर्सन है और आपको लगता है कि इन सब का जो लीड का अलर्ट है, अगर मेरे पास इंडिया मार्ट से कोई लीड आती है वो इमीडिएटली मेरे सेल्स वालों के पास जाना चाहिए, सो दैट कोई ना कोई उस लीड पे बात कर ले, ठीक है। तो हम वो भी ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ओनर के पास भी ये लीड का अलर्ट चला जाएगा, सेल्स पर्सन के पास भी चला जाएगा और मल्टीपल सेल्स टीम मेंबर्स के पास भी जा सकता है। तो ये इसकी पावर है, मतलब अगर आपके पास लीड है इमीडिएटली वो मल्टीपल लोगों के पास, मल्टीपल स्टेक होल्डर के पास चला जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो लीड है वो कोई ना कोई इसको पिक करेगा, अटेंड करेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल लोगों के पास गई है और आप CRM यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर रिमार्क भी डाल सकते हैं। तो दूसरा कोई भी जब कॉल करेगा तो पहले देखेगा कि वो कॉल उस पर करना है या नहीं है, कोई रिमार्क है या नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हो। नाउ मान लीजिए लीड आई, लेट नाइट लीड आई है, 12 बजे कोई लीड आई है, 10 बजे कोई लीड आई है, डेफिनेटली हम बात नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सिस्टम विल ट्रिगर ऑटोमेटिक वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज क्या होता है कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग abcd.com और ABCB एंटरप्राइज, ओके, आर टीम विल गेट बैक टू यू इन द मॉर्निंग, ओके। तो यहाँ पे आप SMS ट्रिगर कर सकते हो, ईमेल ट्रिगर कर सकते हो, व्हाट्सएप ट्रिगर कर सकते हो और रिकॉर्डेड कॉल ट्रिगर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो लीड था उस थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा या एंगेज हो जाएगा आपके SMS, व्हाट्सएप और ईमेल पे। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, वो किस तरीके के होंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जो इंगेजमेंट होगी वो उसको हम बोलते हैं ड्रिप मार्केटिंग और लीड नर्चर और ऑटो फॉलोअप ट्रिगर। तो एक बार हम देखते हैं वो किस तरीके से ट्रिगर होते हैं। तो यहाँ पे हम मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो इंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इमीडिएट एक वेलकम मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम आपको लगता है, यहाँ पे मैंने डे 2 दिया है, आप 2 घंटे बाद टेस्टिमोनियल ट्रिगर कर सकते हो, 5 घंटे बाद आप कुछ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आफ्टर कुछ टाइम के बाद आप ऑफर डील्स एंड डिस्काउंट ट्रिगर कर सकते हो, और 5 दिन बाद आप कुछ और ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पॉट ऑफर डाल के रखा, इट्स अप टू यू आपको किस तरीके से उस लीड को इंगेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आपका जो लीड कन्वर्जन और जो प्रोसेस है इंडिया मार्ट से लीड को कन्वर्ट करने का बहुत फास्ट हो जाता है और लीड कन्वर्ट भी जल्दी होती है। करना क्या है हमें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो क्रिएट करा है कि आपको कुछ एक्शन लेना होगी इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। सिंपल आप इसको कनेक्ट करें, आप इसके साथ कनेक्ट करें, मतलब आपका जो इंडिया मार्ट का अकाउंट है वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे लीड कैप्चर होगी, लीड ऑटोमेटिक कैप्चर होगी, इट मींस उनके ऊपर ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन ट्रिगर होगा एंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट मैक्सिमम लीड। अब मैं आपको एक डैशबोर्ड के थ्रू दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो इस डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना है, वेबसाइट का नाम motorresponders.com है। आप डैशबोर्ड पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कनेक्टर्स दिखेंगे। कनेक्टर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको देखिए इंडिया मार्ट भी दिख रहा है, जस्ट डायल भी दिख रहा है, अगर आप गूगल ऐड रन करते हैं, फेसबुक ऐड रन करते हैं, बहुत सारे आपको कनेक्टर दिख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली इंडिया मार्ट की, ठीक है। तो अभी अगर हम इंडिया मार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टेबल लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे पास लीड आई नहीं है इंडिया मार्ट से, तो लेट्स
क्लिक हियर, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ऐड लीड असाइन, ये क्यों आ रहे हैं, ये सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडिया मार्ट का अकाउंट कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगा कि आपको इंडिया मार्ट का अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे सोर्स सेटिंग के अंदर, हम लीड मैनेजमेंट के अंदर लीड सोर्स सेटिंग में है। यहाँ पे इंडिया मार्ट में आपको देखिए क्या लिखा, कनेक्ट और इंडिया मार्ट अकाउंट, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। तो आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसके अंदर डालना है, और यहाँ पर आपकी इंडिया मार्ट की डालनी है। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपको इसको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद ये पूछ रहा है कि डू यू वांट लीड डिटेल्स ऑन योर मोबाइल। अगर आपको बहुत सारे नंबर पे मल्टीपल नंबर्स पे आप सेपरेटेड बाय कॉमा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी लीड्स इसके अंदर आने लगेंगी। इसके बाद वर्कफ्लो कैसे बनता है, इंगेजमेंट कैसे ट्रिगर होती है, CRM में और अपॉइंटमेंट फॉलोअप कैसे हम डाल सकते हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और देखना चाहते हैं कि कैसे आप इंडिया मार्ट से रिलेटेड लीड को फास्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है नीचे, ठीक है, या आप हमारी वेबसाइट autoresponder.com पे जाके जो सपोर्ट नंबर दिया या कॉल का नंबर दिया उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपना, और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं अगर आप स्पेशली इंडिया मार्ट से लीड लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।